माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी, उसकी क्रियान्विति को लेकर के बैठक ली गई है। आरटीडीसी के एमडी और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ में हमने मीटिंग ली है कि क्योंकि पर्यटन को पहली बार राजस्थान में जो हमारा बजट है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा महत्व दिया है। 500 करोड़ का अलग से बजट दे करके और पर्यटन के महत्व को बताने के लिए पर्यटक यहाँ पर हमारे यहाँ राजस्थान में आए, इसके लिए जो प्लान बनाने की बात कही उसको लेकर के हमें चर्चा हुई। तो 500 करोड़ रुपए का जो प्लान बन रहा है हमारा, उसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो आरटीडीसी की जो होटलें वगैरह बंद पड़ी हैं काफ़ी वर्षों के बाद में भी वो खुल नहीं पा रही, तो उसको भी हमें कैसे आगे वापस पुनः खोलना है, क्योंकि बजट में घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, तो उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। उसके लिए प्लान बनाया गया है, जल्दी हम वर्चुअल बैठक करेंगे। वर्चुअल बैठक करके एक कंसल्टेंट कंपनी जो है वो इसको देखेगी और जो ऋण लेकर के आरटीडीसी के माध्यम से ये 500 करोड़ रुपए का प्लान बन रहा है उसकी भी स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए कहा गया है। तो तमाम पूरे डिपार्टमेंट को हमने एक तरीके से रिव्यू किया है कि कैसे हमारे आरटीडीसी के जो इकाइयाँ बंद पड़ी हैं उनको हम पुनः कैसे चालू, प्लान बनाया है कि किस प्रकार से पर्यटन के आधार पर हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करें, कैसे उत्सव हों जो अच्छे तरीके से उनका ब्रांडिंग हो करके, कैसे उत्सव हम जो मेले वगैरह लगाते हैं वो कैसे हों, गांव-गांव में जो हमारा जो संस्कृति है उसको कैसे वापस पुनर्जीवित करके लोगों के बीच में ले जाएं, जिसका हमारी जो कला और संस्कृति है वो हमारी एक विरासत है जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ उस दिशा में हमको आगे बढ़ना। अब चूँकि थोड़ा बहुत कोविड कम हुआ है तो हमको, क्योंकि पर्यटक जब आता है तो वो साथ साथ में रोज़गार भी देता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है और हमारे जो प्रदेश की जो है शान है उसको भी आगे देश विदेश में पहुँचाने का काम करता है। तो काफ़ी लोग इससे पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और रोज़गार प्राप्त करते हैं, तो उनको भी वापस रोज़गार मिले और हमारे राजस्थान का भी नाम देश और विदेश में हो, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर सकें।